प्रॉब्लम है क्लास 12 मनी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन। ऐसे आप जानते हैं एक्सरसाइज, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें हम लोग पढ़ना है एक्सरसाइज 6.4, जिसमें सन्निकटन के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे दिया रहेगा आपके पास रूट अंडर, क्वेश्चन नंबर टू बता दिए आपको, क्वेश्चन नंबर टू दिया रहेगा 49.5, ठीक है 49.5। पहले आपको बताया गया है क्या करते हैं, एफ एक्स मानते हैं, एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स, ओके। और इसके बाद इसका डीसी कर देते हैं तो एफ डैश एक्स आता है, और एफ डैश एक्स का मान 2√x हो जाता है। और इसके बाद इसको दो भाग में बांटना है, और दो भाग ऐसा होना चाहिए कि पहला का डीसी, ये पहला का वर्गमूल आसानी से निकल जाए। तो जैसे एक्स बराबर मान लेते हैं 49, और डेल्टा एक्स मानते हैं 0.5, ठीक है। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू होगा रूट अंडर एक्स प्लस एफ डैश एक्स का मान 2√x इंटू डेल्टा एक्स। अब मान रखिए एक्स का मान क्या है जी, तो एक्स का मान 49 प्लस डेल्टा एक्स का मान क्या है 0.5 बराबर रूट अंडर एक्स का मान क्या 49 प्लस 1/2√ एक्स का मान 49, और डेल्टा एक्स का मान कितना है जी 0.5। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 49.5 बराबर 49 का वर्गमूल 7 होगा, और ये होगा 1/7 × 14 अगुने 5 है तो 5/10 लिख सकते हैं, यानी मिलेगा 7 प्लस ये कट जाएगा 5 × 10, यानी 7 प्लस 1/14 × 28, इसके नीचे एलसीएम क्या होगा तो 28 आएगा। अब 28 में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे अब प्लस 1 हो जाएगा, तो 28 में 7 से गुना के लिए 8 × 56 = 6, हर सी 5, 7 × 14 14 × 5 = 19, 196 प्लस 1/28 यानी 197/28। जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 7.036। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया है रूट अंडर 0.6। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वही बात तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम लोग, मानेंगे एफ एक्स बराबर रूट एक्स, तो एफ डैश एक्स का मान 1/2√x आ जाएगा। अब देखिए एक्स का मान ऐसा मानना है कि उसका वर्गमूल निकल जाए, तो देखिए 0.64 उसका वर्गमूल निकलेगा, और ये माइनस में लिखेंगे माइनस डेल्टा एक्स का मान माइनस 0.04। देखो इसमें से अगर ये घटाएं तो 0.64 है, इसमें से घटाए 0.04 तो देखो 0 आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, आएगा ना। यानी डेल्टा एक्स का मान हम प्लस में भी मान सकते हैं और डेल्टा एक्स का मान माइनस में भी मान सकते हैं, यानी अगर जोड़े या घटाए तो हमारा 0.6 आना चाहिए। तो वही आ गया, तो चलिए फॉर्मूला जानते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चलिए मान रखते हैं, मान रखेंगे हम लोग एक्स का मान है 0.64, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में दिया है 0.04 इक्वल टू रूट अंडर एक्स, एक्स का मान कितना, तो एक्स का मान 0.64 प्लस 1/2√x का मान, तो 0.64 अगुने डेल्टा एक्स का मान माइनस 0.04। चलिए अब इसको हमको हल करना है, तो 0.64 का आ जाएगा 64/100, और 64/100 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8 और 100 का वर्गमूल 10, यानी हम लोग के पास लिख सकते हैं ऐसे 64/100 लिख सकते हैं प्लस 1/2√64/100 आगुने, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 4/100, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ आएगा 64 का वर्गमूल 8/100 का वर्गमूल 10 माइनस 1/2 × 64 का वर्गमूल 8/10 100 का वर्गमूल 10 आगुने 4/100। देखो कटेगा 10 से 10 बना के 100 कट जाएगा, आएगा ना, यानी हम लोग के पास आएगा कितना, तो आएगा हम लोग के पास 8/100
10 और माइनस, यहाँ देखिए कट जाएगा तो 4 से 4 दूना 8 भी कट जाएगा, यानी 1/2 2 दूना 4 में 10 से गुना करेंगे आएगा 40। चलिए आगे एलसीएम कितना आएगा 40, तो 10 चौका 40 8 चौका 32 और माइनस 40 से 40 कट जाएगा एक बार में, यानी आएगा 31/40। उसके बाद भाग देंगे यानी आ गया 0.775। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 0.009 का पावर 1/3। पहले मानेंगे एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 1/3, अगर इसका डीसी करते हैं हम लोग तो देखिए क्या होगा, पावर जो होगा गुना में आएगा, पावर में से एक कम होगा तो क्या होगा, मेरे हम लोग के पास 1/3 x का पावर क्या होगा, एलसीएम लेंगे 3 आएगा तो 1 - 3 होगा, यानी हम लोग के पास 1/3 x का पावर -2/3 हो जाएगा, यानी आएगा 1/3 x का पावर 2/3, यानी इतना आ गया हम लोग के पास f(x) का मान। ठीक है चलिए आगे क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग मानेंगे x का मान और डेल्टा x का मान। x का मान मानेंगे 0.008 और डेल्टा x का मान मानेंगे 0.001, क्योंकि दोनों को जब ऐड करते हैं तो हम लोग के पास 0.009 का पावर 1/0.009 आएगा। चलिए अब पहले फॉर्मूला देखो, एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चलिए क्या है जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर 1/3, क्योंकि ये है 1/3 के रूप में, रूट में तो दिया नहीं है। अब देखिए एफ एक्स यानी एक्स का पावर 1/3, ठीक है, एफ डैश एक्स का मान आया 1/3 x का पावर 2/3 और उसके बाद डेल्टा एक्स का मान है 0.001। चलिए मान रख दे हम लोग, मान रखेंगे एक्स का मान क्या है 0.008 + 0.001 का पावर 1/3 = एक्स का मान बताइए, एक्स का मान क्या है, तो एक्स का मान हम लोग के पास 0.008 का पावर 1/3 + 1/3, एक्स का मान है 0.008 का पावर 2/3 इनटू दिया है 0.001। चलिए अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है तो देखिए हल करते हैं क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं 8/1000 का पावर 1/3 + 1/3 और उसी तरह 8/1000 का पावर 2/3 आ यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1/1000। ठीक है चलिए अब हम इसको हल करेंगे, तो बताइए 8 का घनमूल 2 होगा तो 2/1000 का घनमूल 10 हो जाएगा, तो 2/10 + 1/3। यहाँ देखिए बेटा यहाँ लिख सकते हैं 8/1000 है ना, तो 8/1000 को लिख सकते हैं 8/1000 का पावर 1/3, ठीक है, और इसका पावर लिख सकते हैं हम लोग 2, ठीक है, और गुने गुना में क्या है 1/1000, तो देखिए ध्यान से 2/10 + 1/3 गुने, यहाँ देखो 8 का घनमूल क्या होगा 2 और उसके बाद 1000 का घनमूल क्या होगा 10, इसका पावर कितना 2 × 1/1000, यानी 2/10 + 1/3 × 2 का स्क्वायर 4/10 का स्क्वायर 100 × 1/1000, तो 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, यानी हम लोग के पास आएगा 2/10 + 1/4 = 12, 12 में 10 से गुना करेंगे 120 आएगा। चलो एलसीएम अगर लेंगे तो आएगा हम लोग के पास 120 और 10 से भाग देंगे 120 में तो कटेगा 12 बार में, 12 में 2 से गुना करेंगे 12 गुना 24, 120 120 कट जाएगा यानी 25/120, 5 से कटेगा 50 25, 5 से कटेगा 5 गुना 10, 2 बचेगा और 5 चौका 20 यानी 5/24। चलिए यहाँ भाग देंगे 25 में 120 से तो आएगा 5 से कट जाएगा 5/24 और ये भाग देंगे तो अगर 0.208 उसके बाद 3 3 आएगा तो लिख सकते हैं 0.208। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग।
फाइव नंबर दिया है क्या 0.999 का पावर 1/10, ठीक है, यही दे रखा है। सबसे पहले हम मानेंगे एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 1/10, ठीक है, तो एफ डैश एक्स आएगा हम लोग के पास 1/10 गुना में आएगा, और उसके बाद एक्स का पावर 1/10 में से एक कम होगा, ठीक है, तो हम लोग के पास आएगा क्या 1/10 एक्स का पावर एलसीएम कितना 10, तो 1 - 10 यानी 1/10 एक्स का पावर -9/10 यानी 1/10 आई एक्स का पावर 9/10 यानी माइनस को निचला दिए यानी 1/10 एक्स का पावर 9/10 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, पहले हम लोग को मानना पड़ेगा एक्स का मान और डेल्टा एक्स का मान। तो एक्स का मान मान लेते हैं 1 और डेल्टा एक्स का मान मान लेते हैं -0.001। अगर इसमें से घटाएंगे तो क्या उतना आएगा, देखिए घटा लेते हैं 1.000 आप माइनस करते हैं 0.001, 10 में से एक जाएगा 9, ये 9 ये 9 आए 0, देख रहे हैं ना आएगा 0.009। तो चलिए एक्स का मान डेल्टा एक्स का मान देखिए, एक्स का मान 1 माने हैं इसलिए क्योंकि 1 का ये जो 1/10 है उसका वैल्यू निकल सकता है। चलिए फॉर्मूला पहले बताइए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है बताओ बताओ, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चलिए अब हम मान रखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर 1/10, एफ एक्स का मान यानी एक्स का पावर 1/10 प्लस एफ डैश एक्स का मान है 1/10 इंटू एक्स का पावर 9/10 और डेल्टा एक्स। ओके चलिए मान रखते हैं एक्स का मान क्या बेटा बताओ, एक्स का मान माने ना एक, आ देखो ये जब डेल्टा एक्स का मान माइनस रखेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 0.001 का पावर 1/10। चलिए मान रखते हैं तो एक्स का मान कितना है 1, तो 1 का पावर 1/10 प्लस 1/10 और एक्स के जगह पर 1 रखना है क्योंकि एक्स का मान 1 माने हैं, तो 1 का पावर 9/10 इंटू डेल्टा एक्स का मान है -0.001। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये घटाएंगे तो आएगा 0.999 का पावर 1/10। अब देखिए एक का पावर कुछ भी रहे बेटा, कुछ भी 1/10 1/50 1/200 कुछ भी रहे एक का मान एक ही होगा, तो यहाँ मान लिख सकते एक प्लस 1/10 और बताए ना एक का पावर कुछ भी रहे भाई 1 ही होगा, और उसके बाद ये माइनस है तो माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस लिख देते हैं क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 1/10 ये दशमलव के बाद कितना है जी, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 दे दो। अब देखो 1 - 1/1 पर 3 0 और 1 0 कितना 0 हो जाएगा 4 0। चलिए बेटा आगे देखो कितना आएगा, कौन 0 जी 4 0, और 4 0 में 1 से गुना करेंगे तो 1 × 4 0 आएगा -1 यानी 10,000 में से एक कम हो जाएगा, तो आएगा हम लोग के पास 9,999। अब बटा कितना 10,000 से भाग देना है, तो देखो बेटा कितने अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो 4 अंक क्योंकि 4 0 है, तो आएगा हम लोग के पास 0.9999, ये जो आया हम लोग का फाइनल आंसर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 15 का पावर 1/4, ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 1/4, ठीक है, तो जो एफ डैश एक्स का मान आएगा पावर गुना में और पावर में से एक कम होगा, तो क्या होगा 1/4 × x² - 3/4 यानी हम लोग के पास आ जाएगा 4 × x² 3/4, ठीक है, यानी अब हम लोग करेंगे क्या, ऐसा करना है कि उसका वर्गमूल एक चतुर्थमूल निकले, तो एक्स का मान मान लेते हैं 16, 16 का चतुर्थमूल निकला 2 × 2 × 2 × 2 4 2 का मतलब 1 2 बाहर, और डेल्टा एक्स का मान मानते हैं -1, क्यों, क्योंकि 16 और -1 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 15 जाएगा। चलिए आगे
अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चलिए मान रखते हैं एक्स का मान, एक्स का मान तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर 1/4 और एफ एक्स का मान एक्स का पावर 1/4 प्लस एफ डैश एक्स का मान आया है 1/4 इंटू एक्स का पावर 3/4 इंटू डेल्टा एक्स का मान। अभी इसके बाद जब पुट करेंगे मान तो सब पुट कर देंगे। चलिए देखिए यहां ध्यान से एक्स का मान बताइए, एक्स का मान क्या है 16, और देखो डेल्टा एक्स का मान -1 है तो -1 रख दिए और 1/4, और एक्स का मान लिखेंगे 16 का पावर 1/4 आप प्लस 1/4 इंटू 16 का पावर 3/4 आगुने डेल्टा एक्स का मान -1। अब देखिए 16 का पावर 1/4, 16 का चतुर्थ मूल जो होगा क्या करेंगे 4 के बदला में 1 लिखेंगे, यानी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो ऐसे चतुर्थ मूल, ठीक है। आ उसके बाद प्लस 1/4 आ इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, देखो चतुर्थ मूल में क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 आ इसका पावर देखो 3 हो जाएगा और गुने -1 तो यहाँ -1 लिख देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से ये 4 2 के बदला में 1 2 बाहर निकलेगा, माइनस यहाँ दो 1/4 × यहाँ 4 × 2 के बदले में 1 2 निकले 2 का पावर 3, 2 2 ना का 4 2 ना का 8, यानी 2 − 1/32 और नीचे 1 है एलसीएम क्या होगा जी 32, तो 32 × 64 -1 यानी 63/32। अब क्या कर देंगे भाग देंगे तो हमारा आंसर 1.9687। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 दिया है 26 का पावर 1/3, ठीक है ये इसको भी मानेंगे एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 1/3 और एफ डैश एक्स का मान जो आएगा हम लोग के पास इसका डीसी करेंगे तो 1/3 एक्स का पावर 1/3 में से 1 घटाएंगे तो 1/3 एक्स का पावर इसके नीचे एक यानी -2/3 होगा और इसको नीचे ला देंगे यानी 3 × x² 2/3, ठीक है। अब देखिए x का मान मानना है, x का मान मान लेते हैं 27 और डेल्टा x का मान मान लेते हैं -1 और फॉर्मूला यूज करेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चलिए मान रखते हैं एफ एक्स का मान 27 − 1 का पावर 1/3 और एफ एक्स का मान एक्स का पावर 1/3 एफ डैश एक्स का मान 1/3 एक्स का पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। चलिए मान रखते हैं एक्स की जगह पर 27 का पावर 1/3 आ 1/3 इंटू 27 का पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स का मान -1। अब बताइए यहाँ 27 में से एक जाएगा 26 का पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा अब क्या होगा 27 का पावर 1/3 जो होगा ये 3 के क्या किसके बराबर होगा, 27 होगा तो 3 होगा घनमूल 27 का 3 होता है। अब देखिए प्लस 1/3 अब देखो 2/3 को 1/3 का पावर 2 लिख सकते हैं और 27 का पावर 2/3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है 27 का पावर 2/3 का मान निकालना है तो करेंगे क्या 27 का पावर 1/3 लिख देंगे और इसका पावर लिख देंगे 2। अब देखो जानते हैं आप 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 है इसका पावर 1/3 और इसका पावर 2 तो 3 से 3 तो कटेगा तो हमारे पास आएगा 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 क्या होगा 9, तो लिख सकते हैं 9 × -1 यानी आएगा हम लोग के पास 3 आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/9 3 27 इसके नीचे 1 है तो एलसीएम क्या आएगा 27 आएगा। सत्ताईस आप 27 में 3 से गुना करेंगे कि 1 के पास 27 में पढ़ेंगे 27 81 − 27 27 कट जाए यानी 1 यानी 80/27 यानी 80 में 27 से भाग देंगे
यहाँ आएगा एक्स 80 में 27 से भाग देंगे 2 से 9 6 2, 9 6 2 ऐसे आते जाएगा, तो हम मान सकते हैं उतना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, दिया है क्या, 255, 255 का पावर 1/4। मालूम है ना आपको क्या करना है, fx बराबर मानना है x का पावर 1/4, और इसका जब डीसी करेंगे dy बाई dx तो आएगा क्या, पावर नीचे आएगा और पावर में से एक कम होगा, तो इसके नीचे एक है, 1/4, और एलसीएम लेंगे 4, 1 माइनस 4 यानी 1/4 एक्स का पावर -3/4 यानी 1/4 एक्स का पावर 3/4 आएगा। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है कि इसके पास जाना है चतुर्थमूल के, इसका निकलता है तो एक्स के बराबर मान लेंगे 256 और डेल्टा एक्स बराबर मानेंगे -1। ठीक है, अब आप जानते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं क्या, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यानी मानेंगे एक्स का मान एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर 1/4 बराबर एक्स का पावर 1/4 प्लस एफ डैश एक्स का मान 1/4 इंटू एक्स का पावर 3/4 आर डेल्टा एक्स। ओके, अब हम लोग मान रखेंगे एक्स का मान, बताइए एक्स का मान कितना है जी, 256। आप माइनस डेल्टा एक्स का मान -1, तो -1 लिख दिए, 1/4 बराबर यहाँ होगा 256 का पावर 1/4 प्लस 1/4 आई 256 का पावर 3/4 गुने डेल्टा एक्स का मान -1। अब देखिए 256 का जो चतुर्थमूल होगा वो आएगा हम लोग के पास 4, क्या आएगा 4। ठीक है, आप प्लस 1/4 गुने, देखो 256 का पहले चतुर्थमूल 1/4 है तो 4 आएगा, 4 का पावर कितना, अब 3, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 आ जाएगा गुने -1, यानी हम लोग के पास आंसर आएगा 4 माइनस प्लस में इसमें गुना होगा -1/64 में 4 से गुना करो, 4 4 में गुना होगा 16, 6 6 24 सही 25 यानी 256। अब करेंगे क्या, इसके नीचे एक है एलसीएम लेंगे 256 और 256 में 4 से गुना कर देंगे तो 6 6 24 हासिल 2, 5 6 20 1024 1024 आ जाएगा -1, तो 1024 में से एक घटेगा यानी 1023/256। चलिए इसके बाद भाग दीजिए आप लोग, तो जब भाग दी तो आया 3.99906097 ऐसे आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 9, बयासी का पावर 1/4। ठीक है, सबसे पहले 82 का पावर 1/4 दिए है तो हम करेंगे क्या, एफ एक्स मानेंगे, एफ एक्स बराबर है एक्स का पावर 1/4, और जब डीसी करेंगे एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे हम लोग इसका, तो पावर गुना में आएगा और पावर से एक कम होगा यानी 1/4 में से वो कम करेंगे यानी 1/4 इंटू एक्स का पावर क्या होगा, 1 मिनट, 1/4 एक्स का पावर -3/4 हो जाएगा यानी 1/4 इंटू एक्स का पावर 3/4 कितना गया। चलिए आगे देखते हैं, एक्स बराबर मानेंगे, एक्स बराबर मान सकते हैं हम लोग 81 और डेल्टा एक्स बराबर मान सकते हो 1। ठीक है, तो 81 और 82 हो जाएगा, और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फॉर्मूला होता है आपका एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है ना, क्या होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चलिए मान रखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर 1/4 आप बराबर एफ एक्स का मान एक्स का पावर 1/4 प्लस एफ डैश एक्स का मान है 1/4 इंटू एक्स का पावर 3/4 इंटू डेल्टा एक्स। चलिए मान रखते हैं एक्स का मान, एक्स का मान क्या हम लोग के पास 81 और डेल्टा एक्स का मान है +1 का पावर 1/4 और एक्स का मान है 81 का पावर 1/4 प्लस 1/4 इंटू
81 का पावर 1/4 हो जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3/4 हो जाएगा, डेल्टा एक्स का मान क्या है 1। अब अगर 81 का पावर 1/4 3 आएगा तो 3 लिख देते हैं, प्लस 1/4 गुने 81 का पावर 1/4 3 और 3 का पावर 3, तो 3 का 9 27 हो जाएगा गुने 1, यानी हम लोग के पास आएगा 3 प्लस 1 में 1 से गुना होगा 1/27 चौका 1/7 28 108। चलिए आगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 8 10। आगे देखिए, आगे इसके नीचे एक एलसीएम क्या आएगा, हम लोग के पास एलसीएम आ जाएगा 108, और 108 में 3 से गुना करेंगे 324 चौबीस प्लस क्योंकि एक का पहला पढ़ेंगे 108 बार, तो 108 में 3 से गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा, और उसके बाद एक यानी 324 में भाग जोड़ देंगे एक, तो 325/108। चलिए भाग देंगे, यानी आंसर है 3.00925926 ऐसे आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, कितना, तो दस क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास है 10, 10 नंबर दिया है, कितना, 401, 401 का पावर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 401 का पावर 1/2, यहाँ 1/2 किताब में दे रखा है, 1/4 जो गलत दिया है, 1/2 होगा, 1/2 के अनुसार बनाएंगे तो एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 1/2 मानेंगे तो ये डैश जो निकलेगा तो आएगा 1/2 dx, और एक्स का मान 400 और डेल्टा एक्स का मान 1, क्योंकि 400 और 1 जोड़ देंगे 401 आ जाएगा। अब फॉर्मुलाइज करेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यानी एक्स के जगह पर 400 और डेल्टा एक्स के जगह पर 1, यानी 401 का पावर 1/2 बराबर 400 का पावर 1/2 एफ डैश एक्स का मान 1/2 √x के जगह पर 400 गुने 1, क्योंकि डेल्टा एक्स का मान 1 है। अब आते 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है, प्लस 20 × 2, 20 × 40, 40 में 1 में 1 में गुना हुआ एक ही आएगा, यानी अब इन दोनों का एलसीएम होगा 40, 40 × 80 या 80 में 20 में गुना करेंगे तो 800 + 1 यानी 801/40, जब भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 20.2025 जो आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर दिया है 0.0037 का पावर 1/2। देखिए करेंगे क्या, पहले मानेंगे एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 1/2, तो जब डैश करेंगे एफ डैश एक्स तो आएगा 1/2 √x आ जाएगा। आगे देखिए एक्स बराबर मानेंगे 0.0036 और डेल्टा एक्स इक्वल टू मानेंगे 0.0001, जब दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 0.0037। आगे फॉर्मुलाइज करेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर 1/2 बराबर एक्स का पावर 1/2 एफ डैश एक्स का मान 1/2 √x इंटू डेल्टा एक्स, यानी एक्स का मान जो रखेंगे हम लोग, एक्स का मान जो आया हम लोग के पास 0.0036 का पावर 1/2, और एक्स का मान लिखेंगे 0.0036 का पावर 1/2 प्लस 1/2 √x का मान 0.0036 और डेल्टा एक्स का मान 0.0001। अब देखिए 0.0036 यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 36/0.04, क्योंकि 10 के बाद 4 0 है, 1/2 प्लस 1/2 रूट अंडर 36/0.04 आगुने 1/2 लिख सकते हैं कितना, 0.30 सॉरी 4 0। चलिए अब हल करेंगे इसको, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 10,000 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 100 प्लस 1/2 गुने वही होगा 6/100 गुने 1/2,
10,000। देखिए ध्यान से, कटने वाला कट जाएगा, यहाँ पहले डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यानी 6/100 प्लस 1/6 दूना 12 पर कौन जीरो डबल जीरो, एलसीएम क्या आएगा 12 से आएगा। अब 100 से 12 बार में कट जाएगा तो 12 में 6 से 12 छः 72 आएगा प्लस 1, यानी क्या आएगा हम लोग के पास 73/1200। भाग दीजिए, यानी आएगा हमारे पास 73/1200 से भाग देंगे 0.06082 ऐसे आएगा। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 दिया है, 12 नंबर क्वेश्चन, 26.57³/1/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले मानेंगे हम लोग एफ एक्स बराबर ये टोटल को x^1/3, और जब डैश करेंगे एफ डैश एक्स तो आएगा हम लोग के पास 1/3, और पावर में से एक कम होगा, यानी 1/3 x^ एलसीएम तो 3 आ जाएगा, और 1 - 3 यानी 1/3 x^-2/3, यानी आएगा हम लोग के पास 3 x^2/3, कितना गया। इसके बाद हम लोग एक्स का वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू इसके पास तो घनमूल के लिए 27 रहेगा अवेलेबल, और डेल्टा एक्स का बनाएगा ये 27 में से इतना घटा देंगे, यानी -0.43। ये घटाएंगे देख लो, अगर घटाते हैं 27 में से कितना घटाएंगे तो देखो 0.43 घटाते हैं तो 10 में से 3 जाएगा 7, ये 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5.26 आएगा कि नहीं, आ गया ना 26.57, यानी एक्स का मान डेल्टा एक्स का मान आ गया। आगे देखिए, आगे हम लोग बनाएंगे, यानी देखिए क्या होता है, फॉर्मूलाइज करेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम मान रखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर 1/3, एक्स का पावर 1/3, एफ डैश एक्स का मान आया 1/3 x^2/3 इंटू डेल्टा एक्स। चलिए मान रखते हैं हम लोग, एक्स का मान बताइए, एक्स का मान क्या है बेटा, एक्स का मान 27 और डेल्टा एक्स का मान माइनस है तो -0.43 का पावर 1/3 आ गया। अब एक्स का मान 27 का पावर 1/3 प्लस 1/3 आई एक्स की जगह पर 27 का पावर 1/3 आई इसका पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1/3 में 2 से गुणा करके 2/3 आ जाएगा, ये 3 है, और डेल्टा एक्स का मान क्या है -0.43। चलिए अब हल करते हैं, यानी 27 का पावर 1/3 यानी 27 का घनमूल क्या होगा 3, माइनस ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आई आ जाएगा 4 0.43 बटा। देखिए ध्यान से, ये 27 का पावर 1/3 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा ना, और 9 में 3 से गुना होती है 27, यानी हमारे पास आ गया फाइनल 3 - 0.43/27 आया। ठीक है, हम चाहें तो इसको दशमलव को हटा के या दशमलव को कितना जीरो लिख सकते हैं 2 जीरो, यानी इसके नीचे एक एलसीएम क्या होगा 27 आएगा, 2700 में 3 से गुना करेंगे 27 की 81, यानी क्या आएगा 8100 - 2700 कर देगा 43। अब 8100 में से घटाएंगे 43 कितना आएगा जी, यानी आया हम लोग के पास 2.984। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 दिया है 81.5 का पावर 1/4। पहले मानेंगे एफ एक्स बराबर x^1/4, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू जो आएगा हम लोग के पास 1/4 और x^1/4 में से कम, यानी 1/4 और x^1 एलसीएम 1 आएगा, एलसीएम क्या आएगा 4, तो 1 - 4 यानी 1/4 x^-3/4 यानी 1/4 x^3/4 हो जाएगा, माइनस से बटा में कर देंगे
चलिए x का मान मान लेते हैं, यहाँ पता है ना दो बिंदु मानना पड़ता है, ऐसा बिंदु की जोड़ने के बाद आ जाए हमारे पास 81.5। तो x का मान ऐसा मानना होगा जिसका चतुर्थ मूल निकल जाए, पंचमूल रहे 1/5 है तो पंचमूल निकल जाए, अगर 1/3 रहे यानी घनमूल निकल जाए, अगर 1/2 रहे स्क्वायर निकल जाए स्क्वायर रूट। तो x का मान मान लेंगे 81 और डेल्टा x का मान आ जाएगा 0.5, ठीक है, यानी दोनों का ऐड करेंगे तो 81 यानी 81.5 आएगा। चलिए अब फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू आता है हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर 1/4 इक्वल टू एक्स का पावर 1/4 प्लस एफ डैश एक्स का मान आएगा 1/4 इंटू एक्स का पावर 3/4 आई इंटू डेल्टा एक्स। चलिए मान रखते हैं, मान रखेंगे एक्स के जगह पर आएगा हमारे पास 81 प्लस डेल्टा एक्स का मान आएगा 0.5 का पावर 1/4 और एक्स का मान आएगा हमारे पास 81 का पावर 1/4 आई प्लस 1/4 इंटू 81 का पावर 3, यहाँ लिख सकते हैं 1/4 और इसका पावर लिख सकते हैं 3 और डेल्टा एक्स का मान कितना है 0.5। चलिए 81 का पावर 1/4 यानी हमारा मानेगा 81 का चतुर्थ मूल जो होगा 3 होगा, क्योंकि तीतरी का 29 27 27 81 यानी 3 आएगा। चलिए समझ में आया, 81 का पावर 1/4, 3 का पावर 4, 4 से 4 कट जाएगा 3 आ जाएगा प्लस 1/4 आगुने, यहाँ 3 का पावर 1/4 है, 3 का पावर 1/4 से 4 कट जाएगा 3 का पावर 3, 3 का 9 3 27 आगुने, यहाँ लिख सकते हैं 5/10, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा 3 प्लस 5 से 10 दो बार में कट जाएगा, तो 1/27 × 54, ओके 27 × 54 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 4 चौगा 16 आप 5 को 20 216, 216 में 3 से गुना करेंगे प्लस 1/216 यानी 48, यानी 36 18, 36 18 3 1 4 और 3 2 6, 648 प्लस 1/216 यानी जोड़ेंगे 649/216, भाग दीजिए 649 में 216 से, यानी आंसर है 3.0046। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, मानेंगे पहले एफ एक्स, एफ एक्स बराबर आएगा एक्स का पावर 3/2, ठीक है, और जब हम इसका डीसी करेंगे तो एफ डैश एक्स का मान आएगा और पावर गुना में आएगा और पावर में से एक कम होगा, यानी 3/2 एक्स का पावर 3 − 2/2 यानी 3/2 एक्स का पावर 1/2 यानी 3/2√x। चलिए अब हम लोग एक्स का मान और डेल्टा एक्स का मान मानना है, एक्स का मान ऐसा मानना है कि उसका 3/2 का वैल्यू आ जाए, तो एक्स का मान मान लेते हैं 4 और डेल्टा एक्स का मान मान लेते हैं 0. माइनस में मानेंगे तो ना घटेगा, तो −0. इतना घटा दें तो आएगा हमारे पास, यानी हमारे पास डेल्टा एक्स का बनेगा −0.032, अगर इसमें से घटा दे तो हमारे पास उतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए घटा के देख लेते हैं, 3 4 है, 0.000 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 0.032, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 बचेगा 8, 3 हो जाएगा, आ गया ना, तो इस तरह हम लोग का आ गया उतना। चलिए अब फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है जी, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम मान रखेंगे एफ एक्स, एक्स का मान पहले तो हम लोग ऐसे करेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर 3/2 बराबर एक्स का पावर 3/2 प्लस एफ डैश एक्स का मान 3/2 इंटू रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चलिए मान रखते हैं एक्स के जगह पर, एक्स का मान रखेंगे 4 और −0.032 का पावर 3/2 इक्वल टू 4 का पावर 3/2
प्लस 3/2 इंटू रूट अंडर एक्स के जगह पर 4 इंटू डेल्टा एक्स का मान -0.032। देखिए आएगा तो 0.3 घटाएंगे तो 9.68 का पावर 3/2 आ जाएगा। ये 4 का पावर 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसका पावर 3/2। ये 3/2 इंटू 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और गुना का चिन्ह, और ये होगा 32/ कितना 0 3 0। और ये प्लस माइनस माइनस जगह यानी माइनस लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ देखो 2 से 2 कर जाएगा यानी 2 का पावर 3 बच रहा है, तो 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 दुना का 4 दुना का 8 माइनस ये 2 से 2 कर जाएगा। और 32 में 3 से गुना करेंगे यानी 3 दुना 6 और 3 96/1000 यानी हमारे पास आएगा 8 माइनस 1000 से भाग देंगे 96 में तो आएगा 0.096। अब हम लोग घटा देंगे, चलिए लास्ट इस 8 में से 0.096 घटाएंगे तो आएगा 7.904। यही तक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए इतना ही आपके साथ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए।